नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सतीश जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पंचांग से। आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज 21 फरवरी दिन बृहस्पतिवार फागुन कृष्ण पक्ष की आज द्वितीय तिथि है, जो दोपहर को 2:02 तक रहेगी। आज उत्तर फागुनी नक्षत्र है, मध्य रात्रि 2:26 तक चलेगा। आज धृति योग है, रात्रि 11:11 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में है, प्रातःकाल 10:22 तक। उसके बाद कन्या राशि में चंद्र भगवान प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य भगवान कुंभ राशि में चल रहे हैं। आज का राहु काल दोपहर 1:35 से लेकर 3:05 तक राहु काल रहेगा। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में आज दिशाशूल है। अति आवश्यकता में ही पश्चिम दिशा की यात्रा करें और दही का सेवन करके यात्रा प्रारंभ करने से आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। आज किसी प्रकार का गंडमूल पंचक दोष इत्यादि नहीं है। आज का शुभ समय आज का चर चौघड़िया रहेगा, प्रातः 10:10 से लेकर 11:35 तक। उसके बाद लाभ का चौघड़िया रहेगा, दोपहर 12:30 से लेकर 1:30। सायंकाल भी शुभ चौघड़िया रहेगा, 4:30 से लेकर 6:30 तक। आज का पंचांग आचार्य जी ने बताया, आज का राशिफल भी आचार्य जी से जान लेते हैं कि राशिफल के अनुसार कैसा आपका दिन रहने वाला है और कौन से कार्य आज आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। मेष राशि से शुरू करेंगे आचार्य जी, आज का राशिफल आप बताएं। मेष राशि के जातक आज कारोबारी आज नई डील कर सकते हैं। धार्मिक और झुकाव बढ़ा रहेगा, व्यर्थ के मामलों से थोड़ी दूरी रखें। वृक राशि के लोगों के लिए आज अनजाने में कोई गलती हो सकती है जिसमें नुकसान की संभावना है। मिथुन राशि के जातक आज परिवार की कलह की वजह से तनाव हो सकता है, सामाजिक कार्यों में यश की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के लोग कारोबार में सही फैसले लेंगे, कारोबार व्यापार में लाभ देने वाले सौदे होंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी। सिंह राशि के लोगों का आज उत्साह और उमंग का माहौल रहेगा, परिवार में कोई शुभ समाचार और कार्य हो सकता है। कन्या राशि के लोगों का दिन आज का महत्व को समझते हुए कार्य पूरे करें, जरा सी लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। तुला राशि के लोग आज अपने मन मर्जी से कोई भी निर्णय ना करें, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय बीत सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों का आज बिजी होने की वजह से थकान महसूस करेंगे, अपनों से थोड़ा मन मुटाव हो सकता है। धनु राशि के लोग मेहनत और ईमानदारी के बल पर नौकरी में प्रमोशन पा सकते हैं, आर्थिक निवेश और बचत में बढ़ोतरी होगी। मकर राशि के परिवार की परेशानियों का ध्यान रखेंगे, उन्हें अनदेखा करना नुकसानदायक हो सकता है। कुंभ राशि के लोगों का दिन काफी शुभ रहेगा, माता की सेहत की ओर विशेष ध्यान दें, आपके काम काज में सुधार होगा। मीन राशि के लोग आज अपनी मर्यादा का पालन करें, अपने जीवन साथी की भावनाओं को भूलकर भी अपमान न करें। आज का राशिफल आचार्य जी ने बताया कि राशिफल के अनुसार कैसा आपका दिन रहने वाला है,
कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं और किन कार्यों से आज आपको बचना चाहिए। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी या फिर कोई काम रुके हैं जो नहीं हो पा रहे, हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर दिए जा रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं, आचार्य जी से हर समस्या का समाधान जान सकते हैं। फिर चाहे समस्या भविष्य से जुड़ी हो, विवाह से जुड़ी हो या फिर किसी कारोबार से जुड़ी हो, किसी भी तरह की कोई समस्या या काम नहीं बन पा रहा, बरकत नहीं हो रही या फिर कमाई तो हो रही है लेकिन पैसा नहीं टिक पा रहा, तो इसके लिए क्या कुछ उपाय होने चाहिए, इस तरह की किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से समस्या का समाधान भी जान सकते हैं। तो आज हमारे उन दर्शकों को खबरें अभी तक की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिन है। आचार्य जी से जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए जिससे दिन और भी बेहतर बन सकता है। आचार्य जी, हमारे दर्शक जिनका आज जन्मदिन है उनको क्या उपाय करने चाहिए और कैसा उनका दिन आज रहेगा? बिल्कुल, जिनका जन्मदिन है सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्णम कुशलम करोतु, भगवान श्री कृष्ण आप सबको खुश रखे। लक्ष्मी सदा तिष्ठतु, लक्ष्मी माता हमेशा आपके पास रहे। आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो, ये हमारा आशीर्वाद है। आज जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बहुत अच्छा बन रहा है। बृहस्पति जब भी अच्छे होते हैं वर्षफल में, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी करते हैं, पैसों में बढ़ोतरी करते हैं। पैसा आगमन अर्थात रुका हुआ पैसा आपको इस वर्ष मिल जाएगा। अगर आपने किसी को उधार दिया है तो वो उधार आपका इस वर्ष वापिस आ जाएगा। चंद्रमा की बात करें इस वर्ष फल में, तो चंद्रमा भी बहुत बढ़िया है। जहाँ भी चंद्रमा बढ़िया होते हैं जिस वर्ष फल में, खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। आपका पूरा वर्ष हर्षोल्लास से व्यतीत होगा, मन प्रसन्न रहेगा और सब प्रकार की आप खुशियों का आनंद लेंगे। मंगल देवता अगर अच्छे हों तो मंगल भाई बहन दोस्तों का प्यार मिलता है। आज जिनका जन्मदिन है उनका मंगल बहुत ही अच्छा है। दोस्तों से स्नेह बढ़ेगा, भाई बहनों से स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे के काम आएंगे। शनि महाराज जब भी अच्छे होते हैं प्रमोशन देते हैं, अपने कारोबार में तरक्की देते हैं। अगर आप सर्विस में हैं तो इस साल प्रमोशन निश्चित रूप से आपकी प्रमोशन होगी, पदोन्नति होगी। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, पदोन्नति के साथ थोड़ा स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, थोड़ा सा केतु खराब है इसके कारण थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिए, चोट वगैरह थोड़ा ध्यान रखिए, गाड़ी धीरे चलाएं। कुल मिला के आपका वर्षफल बहुत अच्छा है। केतु के उपाय आपको जरूर करने चाहिए, कुत्ते की सेवा करें। आज जन्मदिन पर कम से कम 10 कुत्तों को मीठा भोजन जरूर खिलाएं जिससे केतु महाराज प्रसन्न होंगे। और ख़ासकर मई सितंबर दिसंबर का महीना थोड़ा सा चोट वगैरह का आपका योग बनता है, उससे थोड़ा सा ध्यान रखें, उपाय करते रहें, ये वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहेगा। जी, एक बार फिर से खबरें अभी तक की ओर से हमारे उन सभी दर्शकों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिन है। आप सभी का दिन मंगलमय हो और जो भी उपाय आचार्य जी ने बताए हैं वो उपाय जरूर करें ताकि और भी बेहतर आपका दिन बन सके। आचार्य जी, हर दिन अपने दर्शकों के लिए किसी ना किसी विषय को लेकर हम बातचीत करते रहते हैं ताकि दर्शकों के मन में भी जो बातें हैं उनको लेकर वो उपाय कर सके। तो आज हमारा जो विषय है जिसपे हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे वो बरगद को लेकर है। आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है कि दर्शकों के भी कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि कमाई हो रही है लेकिन एक हाथ से पैसा आता है तो दूसरे हाथ से चला जाता है, तो उसके क्या कारण है और क्या उपाय उसके लिए करने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल समय ऐसा चल रहा है कि खर्चे बढ़ गए, कमाइयां सीमित हो गई और अक्सर दर्शकों के फोन आते भी हैं क्योंकि जब तक पैसा जमा नहीं होगा कठिन समय में, कहते हैं आपातकाल में संकट के समय पैसा ही काम आता है, तो पैसा का बचत होना बहुत जरूरी है। बचत के लिए सबसे ज्यादा बृहस्पति महाराज बचत करवाते हैं और राहु महाराज बचत को खराब करते हैं। बृहस्पति और राहु के कारण ही ये दोनों चीजें होती है। तो बृहस्पति जिनको बचत नहीं होती, सर्वप्रथम तो बृहस्पति का उपाय करें, हल्दी की गांठें पीले कपड़े बांधकर अपनी तिजोरी में रखें और तिजोरी साउथ दिशा में रखिए और उसका मुंह उत्तर की तरफ हो ताकि आपसे ये भी जानेंगे कि ग्रहों का क्या कुछ इसमें योग रहता है। लेकिन हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं तो उनसे भी बातचीत करते रहेंगे। करनाल से हमारे साथ चंद्र सिंह जुड़े हैं। चंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी,
हाँ जी पंडित जी, मेरा नाम सुंदर सिंह है। हाँ जी हाँ जी, ऐसा है जी मेरा जन्म तारीख तो पता नहीं। हाँ जी, एक नंबर बोलिए। मेरा नाम सुंदर सिंह है जी। एक नंबर बोल दो 1 से 12 के बीच में। नो नंबर, बिल्कुल। जब जब किसी की जन्म पत्री नहीं होती, जन्म दिनांक नहीं होती, तो एक प्रश्न कुंडली बनती है, इस इंसान का प्रश्न का क्या महत्व रहेगा। आपने 9 नंबर बोला। आप क्वेश्चन बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं। ऐसा है जी, ज्यादा मतलब बीमारी की नहीं पता लगता, बीमार रहता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, 9 नंबर के हिसाब से बीमारी तो है, परंतु उसको आपने ज़्यादा बना रखा है। थोड़ा बीमारी को कम कीजिए। आपकी मानसिक जो है वो बीमारी को बढ़ा रही है। आपके मन में ऐसी दुविधा है कि बीमारी बहुत ज़्यादा, परंतु बीमारी इतनी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अगर आप इच्छा शक्ति मजबूत कर लोगे तो बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। फिर भी आप सैर जरूर करें, आप भोजन भी नियमित करें, जल ज़्यादा पिए आप, और हो सके तो मंगलवार को हनुमान जी को कोई लाल चीज चढ़ाएं, जिसमें लाल मोड़ी हो सकती है, लाल सिंदूर हो सकता है, लाल फल हो सकता है, लाल गुलाब का फूल हो सकता है। ये आप कम से कम 3 महीने कीजिए, और सुबह उसके प्रातःकाल आप सैर करें, और ये संकल्प लें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा बोलते रहिए। ऐसा कभी मत बोलिए मैं बीमार हूँ, क्योंकि सरस्वती माता कभी भी वाणी पे बैठ सकती है, जो हमने बोला है वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए आप हमेशा जब भी किसी से मिलें तो हमेशा ये कहें, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, पहले से फ़र्क है, बहुत स्वस्थ हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, ऐसी भावनाएं रखें। और सबसे बढ़िया उपाय है, आप भोजपत्र लें, उस पर लिख के लाल रंग से, मोड़ी से, रोड़ी से कि मैं स्वस्थ हूँ, वो अपनी जेब में डाल लीजिए। 3 महीने बाद आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र सिंह जी आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो चार्य जी, हम बात कर रहे थे भगत को लेकर, उसमें मैं ये भी जानना चाह रही थी कि ग्रहों का क्या उसमें योग रहता है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि ग्रहों का भी कहीं ना कहीं फर्क देखा जाता है। बिल्कुल, ग्रहों के हिसाब से ही जो भी संसार में संजीव और निर्जीव चीजें हैं सब ग्रहों के अंदर में आती है। पेड़ पौधे ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, सब ग्रहों के अंदर में है। तो इसलिए राहु बचत को खराब करता है, राहु पैसा टिकने नहीं देता, और दूसरा घर बचत का है, बैंक बैलेंस का है। बृहस्पति महाराज आप स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से बचत होगी। सबसे बड़ी बात है आदमी की सोच कैसी है। कई बार अग्नि तत्व लग्न होते हैं, कई बार वायु तत्व लग्न होते हैं, कुछ लग्न ऐसे होते हैं 2 नंबर और 7 नंबर शुक्र के लग्न हैं, वो जन्म से ही ऐशो आराम में लिप्त होते हैं, उनको तंगी महसूस नहीं होती। जी अच्छा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं मोहाली से मनजीत कौर जी। मनजीत कौर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी मनजीत कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, जुड़ गई हैं आप, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है मैम, ये पूछना चाहते हैं, बीमारी आपसे नहीं बनती शुरू से, पतन के घर में कलेश रहती है, बीमारी रहती है। बोलिए, जन्म समय जन्म दिनांक। जन्म समय तो 3/30, ये पता नहीं जी कब की है, कब की। नाम बोल दीजिए अपना और अपने हस्बैंड का नाम बोलिए। मनजीत कौर, दविंदर सिंह। दविंदर सिंह आपका। मनजीत, देखिए राशि मैत्री नहीं हो रही, कहीं कहीं ना कहीं थोड़ी ईगो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप दिल का प्रयोग ज़्यादा करती हैं, क्योंकि दिल का जो भी प्रयोग करता है इंसान वो सच्चा होता है, परंतु थोड़ा सा डिप्लोमेट होना जरूरी होता है आजकल, किस समय क्या बात करनी है ये जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि आप दिल की साफ हैं, इसलिए जो दिल में आता है आप बोल देते हैं, परंतु जमाना ऐसा है कि मौका देख के ही बात करनी होती है। जहाँ गुस्सा करना वहाँ गुस्सा करो, जहाँ ठंडा रहना वहाँ ठंडा करो, थोड़ा सा अपनी ईगो डाउन कीजिए, पति की रिस्पेक्ट कीजिए, और सबसे बढ़िया उपाय है आप वीरवार को अपने हस्बैंड को पीली चीज़ खिलाएं, यानी खाने में केसर भी डाल सकती हैं, कोई पीला उनको गिफ्ट दीजिए, सोने का गिफ्ट दीजिए, देखिए आप कि दोनों बहुत बढ़िया हो जाएगी, मैत्री भाव हो जाएंगे, ये उपाय कीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनजीत कौर जी आपका हमारे साथ खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी आचार्य जी, तो आप ग्रहों के बारे में बता रहे थे, क्या कुछ इसका योगदान रहता है। जब भी 12वें घर की दशा आती है, 12वां घर है खर्च, और दूसरा घर होता है बैंक बैलेंस यानी जमा पूंजी, 11वां होता है इनकम। भाग्य
कार्य क्षेत्र, इनकम, खर्चा, ये चार चीजें देखने के बाद ही नेट जो रिजल्ट निकलता है वो होता है बैंक बैलेंस। एक तो आपका भाग्य प्रबल होना चाहिए, भाग्य प्रबल होता है अपने कर्मों से। आपका कार्य क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, जो आप कार्य कर रहे हैं वो दिन दुगनी बढ़ता रहे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहे, एक उस कार्य में पैसा इनकम हो। कई बार ऐसा देखते हैं काम तो आज इंसान करता है 15 घंटे परंतु उसको इनकम होती है 3 घंटे काम जितनी, तो उसमें बचत असंभव है। तो बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, केसर का तिलक लगाएं, घर में जो मैंने बताया अभी जो अपने कैश की अलमारी है वो साउथ दिशा में रखें, उसका दरवाजा नॉर्थ दिशा में खुले और उसमें हल्दी की गांठें रखिए। ये उपाय करने से आपकी बचत शुरू हो जाएगी। राहु का उपाय करते रहें, 1 किलो जो जल प्रवाह करते रहें जिससे राहु आपकी बचत में बाधा ना डाले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका जय माता कीमती वक्त के लिए। जो भी हम यहाँ पर विषय बताते हैं दर्शकों की अगर इससे जुड़ी कोई समस्या है तो आचार्य द्वारा बताए गए उपाय आप कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपकी समस्या का समाधान हो सकता है।